दंसी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, तू काने है बड़ी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज लेके आया हूं और उसको हम करेंगे, क्या है वो चीज वो मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपको 2 मिनट के अंदर 5 सिंप्लीफिकेशन 5 अप्रोक्सीमेशन, हाँ 2 मिनट में 10 क्वेश्चन मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं जो अप्रोच अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं जिससे वो एग्जाम क्लियर करते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, वो अप्रोच मैं लगाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहले मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नीचे टाइमर ऑन होगा, टाइमर के हिसाब से चलेगा टाइम, 2 मिनट के अंदर अंदर मैं वो पूरे 10 क्वेश्चन कर दूंगा और आपको बताऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, 2 मिनट बाद जब मेरा टाइमर खत्म हो जाएगा, उसके बाद लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आप उस क्वेश्चन को मैं एक एक करके सारे समझा दूंगा कि कैसे मैंने किया, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं करूंगा और सारे 10 क्वेश्चन समझाऊंगा, ऐसे 2 सेशन लाऊंगा, उसमें आपका कोशिश करूंगा कि एक अप्रोच बताऊं कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट नाउ, ठीक है। चलिए 14 + 53 = 67, 67 से 67 कैंसिल, रूट एक्स और ये एक्स है तो एक्स रूट एक्स से हो गया, अपना आ गया 729, ठीक है 729 आ गया। फिर 10 × 36 10 × 37 370 और ये 19 × 7 ये 370 हो गया, और ये हो गया 20 × 7 140, 510 510 ये हो गया 30 मतलब 900, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 1900 और 19 190, ये हो गया 10 और 10 और 10 20, और 84 - 20 = 64 मतलब 8, ठीक है तो 8 आ गया इसका। 40% ऑफ 800 = 320 300 - 250 = 70 और ये हो गया 63% of 88 = 504, तो इनका टोटल किया तो 574। 30% of 260 = 78 और 60% ये हो गया 300 300 + 78 = 378 - 78 = 300, तो हमारा आंसर आ गया 300। अब यहां देखें तो ये हो गया 4 की पावर 3 और ये हो गया हमारा 8 की पावर 3, है ना, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 32 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ये हो गया 4/3 of 33 और ये हो गया 7/8 × 88, तो ये देखोगे आप तो ये हो गया आपका 44 + 74 = 121, ये √5 √5 इसका 5 हो गया। अब 60% of 660 = 396 396 ये हो गया, 324 ये हो गया, 576 ये हो गया, 576 + 324 = 900 900 में 396 जोड़ा तो 1296 36 हो गया, तो x की वैल्यू 20 आ गई क्योंकि 180 जो हो गया 20% हो गया। उसके बाद ये 32 हो गया, ये 137 हो गया, √169 = 13, ये कंप्लीट हुआ। तो ये मैंने 10 के 10 क्वेश्चन कर दिए आपके सामने और आपको अभी मैंने स्पीड से किए हैं, तो आपको हो सकता है इन 2 मिनट में आपको समझ ना आए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इन क्वेश्चन को एक एक करके आपको समझाता हूं कि मैंने इतनी स्पीड से कैसे किया, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखें लेफ्ट साइड पे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे किए, मैंने उसी सीक्वेंस में लिखे हैं जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 14.003 53, देखो 14.003 को हम लिख सकते हैं 40 √x, ठीक है, ये हो गया 53 हो गया। उसके बाद 67 / 27 हो गया ये, और ये x हो गया, तो देखो ये हो गया 67 √x, ठीक है, और ये हो गया 67 × x, तो देखो 67 से 67 कैंसिल, रूट एक्स और x है तो ये x की पावर कितना हो गया, हाफ हो गया ना, x की पावर हाफ इक्वल टू 27, तो इसलिए ये कितना आ गया था 729 आपका आ गया था, कितना आ गया था 729 आ गया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपको बोला है 10.11, तो 10.11 का मतलब 10, अब 36.93 है तो इसको मैं 37 मान लूंगा, राइट। उसके बाद ये हमारा √48 something = 7 और ये हो गया 20 19.99 = 20, तो 370 और ये 17 हो गया, और 17 के बाद ये √x है, ठीक है, तो ये 510 हो गया। देखो 370 प्लस
140 इस 510 और 510 को 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा 30, और 30 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो गया मेरा 900 मेरा हो गया, कितना हो गया 900 हो गया। तो ये दो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए कि कैसे करना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा और चौथा पे देखते हैं, और तीसरे और चौथे को भी हम समझते हैं। तो तीसरा देखो क्या है, 1898.88 था, तो मैंने इसको क्या मान लिया 1900 मान लिया, और 189 पॉइंट समथिंग था उसको 190 मान लिया। तो 90 मानने के बाद उसके बाद आपको 9.99 बोला तो उसको 10 मान लिया, ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 83.89 का मतलब 84 हो गया, तो ये 10 और 10 20, ठीक है, तो ये 20 जब इधर गया तो 64, और 64 का अंडर रूट कितना होता है 8, ये क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखोगे 39.7% ऑफ 800, तो 39.7 का मतलब ये इसको 801 है तो इसको 800 कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है -250, ठीक है, उसके बाद -250.17 था तो 250 मान लिया, x.63% ऑफ 801, तो 801 को 800 कर दिया। अब ये देखो 800 का 40% होता है 320, और 320 में से 250 गए तो कितना बचा 70, और x माइनस 63 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो 83 24, और ये हो गया 504। तो देखो देखो ये 50 इधर आ गया तो कितना आ गया 574 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 574 ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड का काम है सारा क्वेश्चन, तो स्पीड करते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 29.8 था तो उसको 30% कर दिया, किसका 260 का। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है 60% ऑफ 500, तो 60% ऑफ 500 कर दिया, -78.3 है तो 78 कर दो, तो 30% 260 का कितना हो गया 78, 60% 500 का हो गया 300, -78 ये कट गया, 300 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब ये जो 5 क्वेश्चन थे अगले वाले ये सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन थे, तो सिंपलीफिकेशन के थे तो देखो 6 नंबर का देखो 64 है, तो मैं देखो देखो मैं क्वेश्चन को ही लिख देता हूं इसको थोड़ा समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो अब इसमें क्या है मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा दूं, ये तीन ये फ्रैक्शन के नीचे जो चीज लिखी होती है ना इसको कैंसिल करना होता है किसी भी हालत में। तो मैं ऐसा क्या लिखूं 64 को 3 कैंसिल हो जाए, तो आप बोलोगे 4 की पावर 3, और ये लिख दिया 8 की पावर 3। ठीक है, तो ये कट गया ये कट गया, तो 4 8 का 32 होता है। ठीक है, और ये 2 की पावर x है, तो मैं 32 को क्या लिखूं 2 की पावर 5, तो x देखो दोनों अगर बेस सेम होते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 5, तो यहां से क्वेश्चन ये कर लिया था मैंने। अब आ जाओ आप 7th नंबर पे, 7th नंबर भी समझ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 133.33% क्या होता है, देखो 133.33% को मैं थोड़ा समझा दूं आपको, ये बड़े आसान थे एक्चुअली। क्या है स्पीड बनेगी तब जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और प्रैक्टिस ज्यादा के लिए देखो क्या करते हैं, ये 133.33 है ना, मैंने इसको ऐसे मान लिया था 100 + 33.333 मान सकता हूं, तो 100 का मतलब 1, इसका मतलब तो 1 + 1/3 इज 4/3, कितना हो गया 4/3, और ये 87.5 है ना, तो इसको 100 - 12.5 मान लो, तो ये 1 - 1/8 हो गया है ना। ठीक है, यहां क्वेश्चन यही है ना 87. हाँ ठीक है, अब आप देखो इसको मानने के बाद क्या होगा, तो 4/3 ऑफ 33, ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 7/8 × 88, ठीक है, तो ये 11 और ये हो गया 11, तो 44 + 77 = 121, तो ये मैंने किया था, तो डायरेक्ट ही पता चल जाता है जब हमें इसको प्रैक्टिस कराता हूं ना परसेंटेज में, तो बच्चा तुरंत बता देता है 133.33 है, अच्छा ये तो 4/3 होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये मैंने किसी टेस्ट सीरीज में देखा था, वैसे मैंने सारे क्वेश्चन पीओ लेवल के लिए, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी होता है, इस अंडर रूट को एक अंडर रूट को हटा दो, ऐसे इंफिनिटी तक चलता जा रहा है, तो एक अंडर रूट को हटाओगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 5
अंडर रूट फाइव ऐसे चलता जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन्फिनिटी में कोई इतनी बड़ी विशाल चीज है इन्फिनिटी, उसमें से एक चीज कम हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरे को, इसको मैं एक्स ही तो लिख सकता हूं, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। कितनी आ गई, फाइव। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, एक्स परसेंटेज ऑफ 180, राइट। अब 60% ऑफ 660 को मैंने क्या किया, 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 396। ये 396 हो गया, ये 324 हो गया, और ये 576 हो गया। अब आप सोच रहे हो मैंने जल्दी से ऐड कैसे कर दिया, तो मैंने ऐसे किया, देखो 500, 300, 800, 76 में 24 जोड़ा तो 100 हो गया, तो 900 हो गया ना, ये 900 में 396 जोड़ा तो 1296, और 1296 का स्क्वायर रूट आप सबको पता होना चाहिए, नहीं तो स्क्वायर रूट वाला सेशन बहुत सारे टीचरों ने करा रखा है, उससे भी देख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 36। तो मैंने बेसिकली करा क्या था उस टाइम कि 180 का ऐसा कितना परसेंट 36 होता है, तो 20% होता है, नहीं तो आप सॉल्व कर लो, वैसे 20% होता है, 180 का 20% ही तो होता है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 20 आई थी, ठीक है। तो चलिए 20 समझ में आपको आ गया। अब आते हैं हम लास्ट वाले पे देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट वाला तो बहुत ही ईजी था, लास्ट वाला तो ये था 137 प्लस 1024 का स्क्वायर, तो इसका 32 होता है, और 32 में 37 जोड़ा तो 169 हो गया, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13। तो ये खत्म हो गया। होप सो आपको मेरी जो स्पीड है, मैंने उसी स्पीड से आपको वापस समझाया है। ऐसा एक और सेशन लेके आऊंगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे आपको लगे कि स्पीड क्या होती है और उसको कैसे मेंटेन करना होता है। होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, सो दैट हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय।